बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आपको कहना चाहता हूं, हम भद्रक में मेडिकल कॉलेज की सालों से मांग है, पूरी नहीं करते हैं। आप हमारे लोकसभा विधानसभा के प्रत्याशियों को जिता दो, 4 महीने में भद्रक में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भारतीय जनता पार्टी, ऑटोनोमस कॉलेज उसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस नवीन बाबू नहीं देते। मैं कहकर जाता हूं, हमारे विधायकों को जिताकर सरकार बना दो, 6 माह में यहां पर यूनिवर्सिटी का स्टेटस देने का काम भारतीय जनता। यहां टेक्सटाइल पार्क मोदी जी ने 3 साल पहले दे दिया, ये बनाने का काम नहीं करते हैं। बहुत आयु हो गई है, उम्र हो गई है, आप युवा मुख्यमंत्री बना दो, टेक्सटाइल पार्क को 1 साल के अंदर हम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये बाढ़ नियंत्रण का जो मुद्दा है, हमने ढेर सारे आसाम जैसे राज्यों में भी रिजॉल्व किया है। हम सलंधी नदी पर जो बाढ़ आता है उसका पानी सिंचाई की नहर में डालकर आप लोगों को बाढ़ से बचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, एक घुसपैठिए जो आते हैं ओडिशा तक पहुंच गए, उसको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? नवीन बाबू रोक सकते हैं क्या? इनके बाबू तमिल बाबू रोक सकते हैं क्या? आप भाजपा सरकार बना दो, आदमी तो क्या, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं। भाइयों बहनों, यही एक लोकसभा क्षेत्र में हमने 2,15,000 घर बनाए, 1,53,000 लोगों के घर में बिजली भेजी, 6,48,000 लोगों का शौचालय बनाया, 6,90,000 लोगों के घर में पानी पहुंचाया और 3,48,000 लोगों को किसान सम्मान योजना दी और 7 लाख लोगों को 5 किलो चावल हर महीना देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।